मैं सत्यम त्यागी स्वागत करता हूँ आपको अपने YouTube चैनल सत्यम टेक्निकल त्यागी में। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का सेशन। सेशन से क्या मतलब है, यानी जो क्लास है ये थोड़ी लंबी चलेगी, यानी इनमें बहुत सारे लेक्चर बनेंगे, तो हम पढ़ने वाले हैं इसका लेक्चर 1। तो फ्लूइड मैकेनिक्स अगला सब्जेक्ट है क्या, हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते क्यों हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, तो इंट्रोडक्शन हम देखेंगे पहली क्लास में, क्योंकि पहली क्लास इंट्रोडक्शन की होती है। तो फिर हम फ्लूइड मैकेनिक्स का इस क्लास में इंट्रोडक्शन, इसकी प्रॉपर्टी और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। अगर फ्लूइड है क्या, तो अपना साथ बनाए रखें। तो ये जानते हैं पहले फ्लूइड मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स मेनली दो शब्द मिलकर बना है। पहला वर्ड हमारा फ्लूइड और सेकंड वर्ड हमारा मैकेनिक्स। तो फ्लूइड है क्या हमारा, तो हम देखते हैं पहले फ्लूइड क्या होता है। तो फ्लूइड की डेफिनेशन है, फ्लूइड क्या है, तो फ्लूइड हम किस चीज को कब बोलते हैं, एनी सब्सटेंस विच हैव कैपेसिटी या टेंडेंसी टू फ्लो, यानी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास बहने की क्षमता हो या काबिलियत हो, उसे हम फ्लूइड बोलते हैं। तो इसमें दो वर्ड आ रहे हैं इस डेफिनेशन में भी, एक सब्सटेंस दूसरा फ्लो, क्योंकि सब्सटेंस फ्लो होएगा तो फ्लूइड होएगा। तो पहले देखते हैं फ्लूइड के एग्जांपल क्या है। तो फ्लूइड के एग्जांपल हो गए जैसे लिक्विड, गैस, ये फ्लूइड के एग्जांपल हो गए। सब्सटेंस क्या होता है, हम किसी चीज को सब्सटेंस कब बोलेंगे, सब्सटेंस होता है जिसके पास मास हो, यानी जो जगह लेता हो, पहला पॉइंट। दूसरा सब्सटेंस किसे बोलते हैं, जो स्पेस लेता हो, ऑक्यूपाइड स्पेस, यानी जो जगह दे रहे, एक ऐसा मास जो जगह दे रहे। थर्ड जो टेंजिबल हो, टेंजिबल यानी जिसे फील करा जा सकता है, विच कैन बी फील। तो सबसे क्या होता है, जिसके पास कोई मास हो, जिसके पास कोई जगह दे रहे, जिसे फील करा जा सकता है, उसे बोलते हैं सब्सटेंस। तो फ्लो क्या होता है, फ्लो देखते हैं। तो फ्लो होता है हमारा, फ्लो की डेफिनेशन क्या है, फ्लो की डेफिनेशन है रिलेटिव चेंज ऑफ पोजीशन, किसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है, रिलेटिव चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि फ्लो क्या होता है, जब पार्टिकल की पोजीशन में चेंज आता है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उसे बोलते हैं फ्लो। यानी भाव क्या है, जब कोई चीज बहती है टाइम के रेस्पेक्ट में, अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, उसे तो बोलते हैं बहना। पहले चीज जाती है बह के वहां चलेगी। तो फिर फ्लूइड की डेफिनेशन क्या है, एनी सब्सटेंस विच हैव कैपेसिटी या टेंडेंसी टू फ्लो, यानी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास बहने की क्षमता हो, काबिलियत हो, उसे बोलते हैं फ्लो, वो फ्लूइड। अब हम देखते हैं मैकेनिक्स क्या है, ये तो फ्लूइड है तो मैकेनिक्स क्या है। तो मैकेनिक्स की डेफिनेशन है, अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन एनी पार्टिकुलर सब्सटेंस। तो मैकेनिक्स क्या है, किसी भी चीज की स्टडी करना जिस पर फोर्स लग रही हो, उसे बोलते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स हम सबने पढ़ी हुई है, उसमें हम पहले छोटे छोटे चीजें पढ़ते हैं, जैसे मोमेंटम, इनर्जिया, बेसिक चीजें सीखी, जिससे हम पता चले उसमें क्या था, ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, एटमोसफेयर फोर्स लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, या कोई व्यक्ति फोर्स लगा रहा है, वेट लग रहा है। तो मैकेनिक्स क्या है, फोर्स की स्टडी करना। फ्लूइड क्या है, जो सब्सटेंस बहता हो। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होगी, तो फ्लूइड मैकेनिक्स हमारी होगी स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन फ्लू। यानी फ्लूइड मैकेनिक्स हम क्या समझते हैं, जब हमारे फ्लूइड पे फोर्स की हम स्टडी करते हैं, तो उसे बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स।
अब वो कौन कौन सी फोर्स है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लगती है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना, फिर हम देखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का आगे के बारे में। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जैसे हमने देखा फ्लूइड क्या होता है, जो बहता है। तो फ्लूइड में दो चीजें थी, एक लिक्विड एक था गैस। तो लिक्विड हो गया हमारा तरल चीज यानी कि लिक्विड सरफेस, गैस भी हमारा फ्लूइड है। तो जब हम बात करेंगे लिक्विड की, मतलब जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे लिक्विड पे, तो उसे बोलेंगे हम हाइड्रोलिक्स। और जब फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करेंगे गैस पे, यानी जब स्टडी करेंगे एयर की या गैस की, तो उसे बोलेंगे न्यूमेटिक। तो जब हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक्स के बारे में। तो हम देखने वाले हाइड्रोलिक्स के बारे में, फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में, वो भी एट द स्टडी ऑफ लिक्विड। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? तो फ्लूइड मैकेनिक्स जब हम स्टडी करेंगे मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, और दूसरे में हम स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ पार्टिकल मोशन ऑफ स्टडी इन मोशन, यानी जो पार्टिकल्स हैं फ्लूइड के, एक बार उनकी स्टडी करेंगे रेस्ट पे, यानी जब वो फ्लूइड स्टैटिक होगा, दूसरी जब मोशन में यानी वो डायनेमिक होगा। तो इसे बोलेंगे स्टैटिक फ्लूइड और इसे बोलेंगे डायनेमिक फ्लूइड। जैसे ये वाटर है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है पानी में, ये इसके अंदर भी डूबा हुआ है, ये नीचे की सतह है यहाँ तक भी डूबा हुआ है। तो फिर इस पर कौन कौन सी फोर्स लगनी है, यानी फोर्सेस ऑन फ्लूइड। जब कोई चीज पानी में है, जैसे हम अब भी हवा में खड़े हो, जमीन पर खड़े हैं, तो हमारे ऊपर एटमोसफेयर प्रेशर लग रहा है, फोर्स लग रही है एटमोसफेयर की, ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है हमारे वेट से। तो जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, इसका नाम दे दिया हमने ऑब्जेक्ट ए। तो इस ऑब्जेक्ट ए पे कौन कौन सी चीजें लग रही है, मतलब कौन कौन सी फोर्स लग रही है, तो हम पढ़ने वाले हैं फोर्सेस एक्टिंग ऑन फ्लूइड। फोर्सेस एक्टिंग ऑन फ्लूइड, फ्लूइड पे कौन कौन सी फोर्स लगती है। तो फिर जब कोई फ्लूइड वाटर पे होता है, वाटर में हो या वाटर पे, तो उस पर दो चीजें फोर्स लगती है। एक तो लगती है हमारी, मतलब पानी की, एक सरफेस फोर्स, और दूसरी लगती है ग्रेविटेशन फोर्स ड्यू टू इट्स वेट। लगती है वेट की वजह से। अब सरफेस फोर्स क्या है? अभी ऑब्जेक्ट पानी में है, तो पानी की सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी तो इस पर कुछ ना कुछ वेट रखे होंगे, उनका भी तो कुछ फोर्स लग रही होगी नीचे की ओर। उन वेट जो वॉल्यूम है उनका, या जो स्पेस है, वही तो फोर्स लगा रहा होगा। ऊपर से जो ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, वो अपनी ग्रेविटी लगा रहा नीचे को। तो दो फोर्स लगती है, सरफेस फोर्स एंड की ग्रेविटेशन फोर्स। सरफेस फोर्स लगती है जो पानी फ्लूइड एक्ट कर रहा है इस पर, और दूसरी ग्रेविटेशन लगती है जो ड्यू खुद से लगती है ऑन वेट से। ऑन वेट फोर्स क्रिएटेड ड्यू टू ऑन वेट। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक चीज तो बताना भूल गया था, जैसे मैंने कही थी फ्लूइड मैकेनिक्स हम पढ़ते क्यों है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने का स्कोप क्या है, तो देखते हैं पहले स्कोप। फ्लूइड मैकेनिक्स का स्कोप क्या है, स्टडी करने का मतलब क्या है, कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। तो एक तो फ्लूइड मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि जो फोर्स है फ्लूइड की, फोर्सेस ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट और मोशन और इन मोशन। अब इसकी स्टडी हम क्यों कर रहे हैं रेस्ट और मोशन की, क्योंकि जब पानी ठहरा हुआ है तो उसमें कुछ अलग फोर्स लग रही है। जब पानी बह के आ रहा है तो उसमें कुछ फोर्स लग रही है। जब बाढ़ आती है, सुनामी आती है, तो कितनी तबाही कर सकती है, कितने मजबूत हमें शिप्स बनानी चाहिए उनकी स्टडी के लिए। एक तो गया फ्लूइड की स्टडी करने के लिए कि रेस्ट और मोशन में क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं। सेकंड हो गया बिल्ड शिप्स, शिप्स बनाने के लिए, शिप्स हो या बोट हो जिन्हें पानी में ले जाना है, कि वो कितने फोर्स तक झेल सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। थर्ड हो गया फ्लूइड का पॉपुलेशन कम करने के लिए, पॉल्यूशन कम करने के लिए, उसमें पोल्यूशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर कितनी फोर्स लगाए, कितना भाप छोड़े, तो कौन कौन से पार्टिकल्स आगे जाएंगे, कितने वेट तक को ले जा सकते हैं इसके लिए। फोर्थ हो गया फ्लूइड पॉपुलेशन। दूसरा हो गया फिशिंग के लिए, मतलब जो फिश हैं, मैमल्स हैं,
जो रह रहे हैं वहाँ पर उनकी स्टडी के लिए, क्योंकि जो वो फोर्स में लग रहे हैं जैसे हम नीचे जाएंगे सी लेवल पे उतना हमारा प्रेशर बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगी, तो उतने फोर्स में कैसे रह रहे हैं, उनका पार्टिकल्स बॉडी के जो मॉलिक्यूल है वो कैसे बने हुए हैं, तो उसके लिए हम इन्हें पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का स्कोप ये। तो हम आगे बात करते हैं, हमने स्कोप देख लिया है, अब हम आगे देखते हैं। तो आगे हम क्या देखने वाले हैं, तो हम देख रहे हैं दो चीज़ फ्लूइड में, एक फ्लूइड्स की क्लासिफिकेशन यानी फ्लूइड्स क्लासिफिकेशन, जो फ्लूइड की जो क्लासिफिकेशन है जैसे लिक्विड वेपर गैस, इन्हें दो चीजों में मेनली बांटा गया है। कौन कौन सी है वो, एक तो है पहली चीज हमारी आइडियल फ्लूइड और दूसरी हमारी रियल फ्लूइड। अब आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड में क्या अंतर है, जैसे नाम से समझ में आ रहा है आइडियल फ्लूइड, तो आइडियल फ्लूइड क्या है, यानी जो चीज आइडियल है यानी जो चीज परफेक्ट है, तो फिर आइडियल फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करते, they do not exist, यानी इनका कोई अस्तित्व भी नहीं है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को नहीं मिलेंगे, ये एग्जिस्ट करते हैं। अब आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं, उनके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, अब वो देखते हैं। पहले हम देखते हैं आइडियल फ्लूइड, तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है, एक ऐसा फ्लूइड जिसमें जो कि इनकंप्रेसिबल हो, यानी कि जिसे कंप्रेस ना करा जा सकता, जिसमें कोई सरफेस टेंशन ना हो, हैव नॉट एनी सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन ऐसा फ्लूड जो इनकम्प्रेसिबल हो, जिसमें कोई सरफेस टेंशन ना हो और जिसमें कोई विस्कोसिटी ना हो। अब विस्कोसिटी क्या है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे, कंप्रेसिबिलिटी क्या आगे जानेंगे, अभी हम पहले से समझते हैं इन चीजों को, सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आइडियल फ्लूड कौन से हैं, जो कि इनकम्प्रेसिबल हो, जिसे कंप्रेस ना करा जा सकते हैं, जिसमें सरफेस टेंशन ना हो बिल्कुल भी, सरफेस टेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में आगे जानेंगे, और जिसमें विस्कोसिटी ना हो, has no viscosity, viscosity is not exist। तो ये हर फ्लूड में कोई ना कोई इनमें चीज होती है, जरूर होती है, तो इस आइडियल फ्लूड एग्जिस्ट नहीं होता। रियल फ्लूड कौन से होंगे, अगर हम बात करते हैं रियल फ्लूड की, तो रियल फ्लूड क्या होगा, इसका अपोजिट, क्योंकि वो एग्जिस्ट करते हैं क्या, जिसमें कुछ कंप्रेसिबिलिटी हो, जिनमें कुछ सरफेस टेंशन हो, और जिसमें कोई विस्कोसिटी हो। विस्कोसिटी बहुत मेन फैक्टर डिपेंड करता है फ्लूइड पे, चाहे वो लिक्विड हो चाहे गैस हो। तो हम इसके बारे में थोड़ा और आगे जानते हैं। तो हम चीज क्या देखने वाले हैं, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया फ्लूइड क्या होता है, मैकेनिक्स क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, उसके बाद में स्कोप देख लिया, दोनों में अंतर क्या होता है, और बाकी हमने वो ये देख लिया रियल फ्लूइड ये सब। अब हम देखने वाले हैं सिर्फ कुछ पॉइंट्स, कौन कौन से, एक तो जब हम बात कर रहे हैं हम पढ़ने हाइड्रोलिक्स, तो हाइड्रोलिक्स किस पर होती है, लिक्विड पे, तो हम लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। तो लिक्विड में हम देखने वाले हैं एक तो फोर्सेस कौन से होते हैं, एक तो कोहेशन, एक होती है कोहेशन फोर्स, दूसरी होती है एडहेशन फोर्स। अभी कोहेशन फोर्स और एडहेशन फोर्स क्या है, जैसे नाम समझना, कोहेशन और एडहेशन, ऐड क्या होता है, जब दो चीज को ऐड करा जाता है, मतलब अलग अलग चीज। कोहेशन फोर्स वो फोर्स होती है जब दो पार्टिकल्स आपस में जुड़ गए, जब दो पार्टिकल आपस में जुड़ेंगे, सेम मतलब सेम कैटेगरी के पार्टिकल्स आपस में जुड़ के बॉन्ड बनाएंगे, उन्हें बोलेंगे कोहेशन फोर्स, एंड दो पार्टिकल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, दो पार्टिकल ऑफ सेम सब्सटेंस बॉन्डेड विद ईच अदर, बॉन्ड विद ईच अदर। इसमें क्या है, टू पार्टिकल्स
ऑफ अनदर सब्सटेंस जो जानते ना हो बॉन्ड विद ईच अदर. अब इसके ज्यादा एग्जांपल समझते हैं, इससे समझ में नहीं आया डेफिनेशन से कोहेशन एडिशन है क्या. मेनली जब हम इसमें डीप से सुन दोगे फीलिंग आएगी जब हम बात सुन रहे हैं तो कोहेशन फोर्स का पहले एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल समझ में आएगा. कोहेशन फोर्स का एग्जांपल है लिक्विड विद लिक्विड, लिक्विड विद लिक्विड. वैसे हम तो लिक्विड के बारे में पढ़े तो लिक्विड विद लिक्विड अगर रखते हम इसमें लिखेंगे वाटर विद वाटर. इसमें एग्जाम्पल रहेगा वाटर विद पेपर. जैसे हम बात करते हैं पहले कोहेशन फोर्स की, ये हमारा वन है, ये हमारा टू है, तो वन है हमारा कोहेशन फोर्स, ये हमारा एक पानी की मॉलिक्यूल है, पानी की एक मॉलिक्यूल है, एक बूंद है, एक छोटी सी ड्रॉप है. क्या ये वाटर ड्रॉप, जो हमारी वाटर की ड्रॉप दूसरे वाटर के साथ में मिक्स होएगी. ये हमारी दूसरी वाटर की ड्रॉप है, ये दो बूंद रखी है, ये भी हमारी वाटर की ड्रॉप है. थोड़ी देर बाद क्या होएगा जब इसे देखेंगे, ये ड्रॉप बन जाएगी, दोनों मिक्स हो जाएगी आपस में. क्या हुआ इसमें, ये भी सेम मॉलिक्यूल था H2O, ये भी सेम मॉलिक्यूल था H2O, मिलके क्या बना H2O, कोई वेस्टेज नहीं, सब कुछ मिल गया. क्या होता है, दो पार्टिकल सेम सब्सटेंस के जब आपस में मिल जाते हैं, जो अट्रैक्शन फोर्स होती है, जो अट्रैक्शन मॉलिक्यूल फोर्स होती है सेम मटेरियल की होती है आपस में जोड़ने के लिए, वो होती है कोहेशन फोर्स, सेम अट्रैक्शन फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बॉन्डिंग टू ईच अदर. अब बात करते हैं एडिशन फोर्स की, तो एडिशन फोर्स में क्या है, यह हमारा पानी के मॉलिक्यूल्स, ये पानी था ठीक है, वाटर ड्रॉप, और ये था हमारा पेपर, ये क्या, ये हमारा पेपर. तो जब हम पेपर पे पानी फेंकेंगे, ये रहा हमारा पेपर और हमने इस पे पानी की बूंदे फेंक दी, तो क्या होगा, पानी की बूंदे इस पे जाएंगी, ये सोख भी लेगा, एब्जॉर्ब भी करेगा, कुछ बूंदे नीचे टपक जाएंगी, तो ये होगी हमारी एडिशन फोर्स. इसमें क्या हुआ, दो पार्टिकल्स हैं, एक का है हमारा वाटर ड्रॉप, दूसरा पेपर, एक वाटर ड्रॉप दूसरा पेपर, दो अलग अलग सब्सटेंस जब आपस में मिक्स होने के लिए, ये वेट हो जाएगा, वेट हो जाएगा, वेट पेपर. जब ये दोनों पार्टिकल आपस में जुड़ने के लिए जो फोर्स लगाते हैं उसे बोलते हैं एडिशन फोर्स. यानी कि जब अलग अलग सब्सटेंस आपस में जुड़ने के लिए, ऐड होने के लिए अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं आपस के मॉलिक्यूल्स को, उन्हें बोलते हैं एडिशन फोर्स. और जब सेम मॉलिक्यूल्स, जब सेम सब्सटेंस के सेम मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ने के लिए फोर्स लगाते हैं तो उन्हें बोलते हैं कोहेशन फोर्स. तो ये अंतर होता है कोहेशन और एडिशन फोर्स में. तो हम पढ़ते हैं एडिशन फोर्स की डेफिनेशन. एडिशन फोर्स या एडिशन फोर्स सेम बात है, एक बार हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं. तो इसकी डेफिनेशन क्या है, एडिशन फोर्स क्या, इट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू डिफरेंट सरफेस. ये कौन सी फोर्स है जो एक्ट करती है, यानी जो लगती है दो अलग अलग सतह के बीच में. जैसे इसका एग्जांपल हो गया फेविकोल. अब देखते हैं कोहेसिव फोर्स की डेफिनेशन. कोहेसिव फोर्स की डेफिनेशन क्या होगी, वो लगती थी अलग अलग के बीच, ये लगेगी सेम के बीच. तो क्या होगी, इट इज द फोर्स which acting between two same molecules, two same molecules या surface हो गई है. इसका example क्या होगा, water in water, यह best example है इसका mercury. तो यह तो बात है fluid mechanics की, जो फोर्स पड़ी है हमने फ्लूड कैसे लगाता है. लेकिन इन्हीं फोर्स से हम दो चीजें और पढ़ने वाले हैं, एक है वेटिंग, वेटिंग लिक्विड, और दूसरा हमारा नॉन वेटिंग लिक्विड.
वेटिंग लिक्विड और नॉन वेटिंग लिक्विड क्या होता है? वेटिंग लिक्विड वो लिक्विड होता है जो बहता है, यानी कि जो गीला हो जाता है। गीला कैसे? जिस लिक्विड में एडहेशन फोर्स, एडहेसिव फोर्स कोहेशन फोर्स से बढ़ जाएगी, बोले तो ज्यादा हो जाएगी। जिस लिक्विड में एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा हो जाएगी, क्या मतलब इस चीज का? यानी कि जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, फ्लूड के, वो अपने से ना कांटेक्ट करके दूसरे सरफेस से ज्यादा कांटेक्ट करेंगे, वो इनके लिक्विड, फिर लिक्विड वेटिंग लिक्विड और नॉन वेटिंग में क्या होगा, जिसमें कोहेसिव फोर्स ज्यादा रहेगी एडहेसिव फोर्स से। अब इसके अलावा एक बार एग्जाम्पल देते हैं क्या, जैसे कि एग्जाम्पल वही पानी की बूंद, पानी है ये पेपर शीट पे जब गिरेगा, ये पानी जब पेपर शीट पे गिरेगा तो कुछ पानी तो गिर जाएगा, जो पानी गिरेगा वो कोहेशन फोर्स कैसे क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल आपस में चिपके पड़े हैं, बाकी कुछ पानी पेपर के साथ में या फेविकोल जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में मैच हो जाएगी, यानी चिपक जाएगी, मिक्स हो जाएगी, उसे एब्जॉर्ब कर लेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास में जो प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन फोर्स की दूसरे पार्टिकल के साथ चिपकने में ज्यादा है। तो वेटिंग लिक्विड कौन से हुए? जो वेट होते हैं, गील होते हैं, जब पानी हम मारते हैं दूसरे पे, फेंकते हैं कागज पे तो गीला हो जाता है। इसका एग्जाम्पल जो नॉन वेटिंग लिक्विड का, इसका वो मरकरी जो थर्मामीटर में होती है। अगर हम मरकरी को जमीन पे फेंक देते हैं तो फिर मरकरी वहीं की वहीं रहेगी, अगर हम उसे पेपर पर रख देंगे। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छे समझते हैं एंगल के बारे में। एंगल, ये कुछ एंगल बनाते हैं वेटिंग लिक्विड और नॉन वेटिंग लिक्विड, वो एंगल क्या है? इसका एग्जाम्पल जैसे हो गया वेटिंग लिक्विड का, वाटर ऑन ग्लास, पानी की बूंद जब ग्लास पे गिरेगी तो एक ग्लास का सरफेस है, इस पर पानी की बूंद जब गिरेगी तो कुछ यूं हो जाएगी। यूं होने का क्या मतलब है? पहले तो बूंद रहेगी यूं बोल, लेकिन जब एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है दूसरे से चिपकने की फोर्स ज़्यादा तो इससे ये बैठ जाएंगे, इसके कोने धीरे धीरे ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एब्जॉर्ब तो वैसे पानी मतलब पेपर करता है, लेकिन क्या होगा बैठ जाएंगे, फैल जाएंगे, ये बैठ जाएगा क्योंकि ये वेटिंग लिक्विड है। तो फिर जब ये बैठ जाएगा ऐसे तो ये कुछ एंगल बनाएंगे। अब हम एंगल देखेंगे, अगर तो एंगल यहाँ से देखेंगे पॉइंट से, तो ये एंगल बन रहा है, इस साइड से देखेंगे ये एंगल बन रहा है, इस साइड से दूसरे पॉइंट से देखते हैं एक बार, इस पॉइंट से देखने पर ये एंगल बन रहा है, दूसरे पॉइंट देखने में ये एंगल, यानी कि जो ये एंगल है ये वाला अल्फा, ये 90 से कम है। तो वेटिंग लिक्विड का जो एंगल होता है, यानी जो थीटा होता है अट्रैक्शन मॉलिक्यूल से जो चिपकने का होता है, वो थीटा 5/2 और 90, 5/2 और 90 से कम रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें एडहेसिव फोर्स ज्यादा रहती है कोहेसिव फोर्स। और फोर प्योर वाटर, जो प्योर वाटर जिसका पीएच प्योर है 7 है, उसके लिए जब वो वाटर प्योर ग्लास पे, क्लीन नेट ग्लास पे गिरेगी तो उसके लिए एंगल थीटा बराबर रहेगा पूरा 90 डिग्री। ये किसके लिए रहेगा? व्हेन प्योर वाटर ऑन नीट ग्लास, जब प्योर वाटर की बूंद गिरेगी नीट ग्लास पे तो थीटा रहेगा बिल्कुल 90, नहीं तो ये एंगल बनता है। अब इसकी देखें तो इसका एग्जांपल जैसे मरकरी ऑन ग्लास, ये मरकरी भी हमने ग्लास पे रखा तो फिर क्या है, ये यूं गिरा मरकरी, और मरकरी की में कोहेसिव फोर्स ज्यादा है एडहेसिव फोर्स से, तो क्या होगा, जो बूंद गिरी वो बूंद ऐसी की ऐसी रहेगी। तो अब इसके एंगल देखते हैं, तो इसका एंगल ले लें ये एंगल अल्फा बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा क्या अट्रैक्शन एंगल, इसका मतलब है जो थीटा बनेगा इसमें वो थीटा 5/2 और 90, 5/2 या 90 से क्या है बड़ा है, बड़ा रहेगा। क्यों बड़ा रहेगा? क्योंकि इसमें कोहेसिव फोर्स ज्यादा है एडहेसिव फोर्स। तो आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही, हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है फ्लूइड मैकेनिक्स का, तो लेक्चर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो लेक्चर 2 रहेगा उस लेक्चर 2 में हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे।
तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।